भाई ये ट्रेलर जब स्टार्ट हुआ ना, शुरुआत में लगा कि वही बेसिक साउथ वाली कहानी है कि नॉर्मल वही एक आदमी सौ पे भारी। लेकिन जैसे ही ट्रेलर में कैप्टन मिलर का इंट्रोडक्शन होता है, बाप रे भाई गूज़बम्स यार, क्या देखूं 12 तारीख को। मैरी क्रिसमस कैप्टन मिलर या वो हनुमान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक, आप सभी देख रहे हैं स्टार टॉक शो। और आज मैं बात करने वाला हूं धनुष की फिल्म कैप्टन मिलर के ट्रेलर के बारे में। भाई मैंने इसका ट्रेलर देखा और किसने ट्रेलर काटा है भाई, माइंड ब्लोइंग यार। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ जो ट्रेलर को सिंक किया ना यार, जो तोप चलने की आवाज है, गन चलने की आवाज, दौड़ दौड़ दौड़, और वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। गाइस ग्रेट एग्जीक्यूशन यार, मजा आ गई देखने में। सच बता रहा हूँ, ऐसा ट्रेलर ना बहुत सालों में देखने को मिलता है। वो RRR का जो ट्रेलर आया था और जो कलर ग्रेडिंग है ना RRR वाली, वैसी फीलिंग आ रही है भाई, वो दिल खुश हो गया यार। ट्रेलर जब स्टार्ट हुआ ना तो मुझे लगा कि नॉर्मल बेसिक वही होता है कि एक आदमी है जो सौ पे भारी है, अंग्रेज लोग उनको परेशान कर रहे हैं, उनसे बदला लेगा, तोप से मारेगा, ये करेगा वो करेगा, क्योंकि एक्शन बहुत तगड़ा दिखा रहा था। लेकिन जब ना ट्रेलर का इंट्रोडक्शन लास्ट में, जब कैप्टन मिलर का जो इंट्रोडक्शन होता है, जो धनुष बोलता है कि तुमने शैतान के बारे में तो सुना ही होगा ना, जिसे लोग प्यार से कैप्टन मिलर बोलते हैं, भाई यार वो कैप्टन मिलर वाला जो स्टेटमेंट था ना, मजा आ गया भाई। पूरी ना ट्रेलर की वो जान थी यार, सच बता रहा हूँ, इतना ज्यादा क्रिएटिविटी से उसको रखा गया और बहुत प्यारा। मैंने पूरा ट्रेलर देखा और पूरे ट्रेलर में एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि वहां पे ना कलर ग्रेडिंग वो RRR वाले तरीके में हुई है, और जो एक्शन सीक्वेंस रखे हैं, VFX रखा है, वो ना आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो हो रहा है ना, धमाकेदार, जिसमें नो ग्लिच वाला इफेक्ट आ रहा है कि जिसमें भाई देखने के बाद लगता है कि यार सच में ऐसा हुआ क्या, वो चल रहा है भाई। और बिल्कुल ब्रूटल है यार, मजा आ गया, रॉ रखा गया। वो मुर्दों, वो ब्रिटिशों को ऐसे 20-30 को लगा दिया साथ में, और दौड़ता दौड़ता जो फोड़े हैं ना उनको, भाई यार माइंड ब्लोइंग। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ट्रेलर बहुत ज्यादा इंसान को ना पकड़ के रखता है भाई, क्योंकि ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक जो था ना, वो पूरे म्यूजिक ने ना पूरे ट्रेलर में ऐसा जान डाल दिया, ऐसे पकड़ के रख दिया। आप शुरुआत से ही देख लो, जैसे ही वो इंट्रोडक्शन होता है हीरोइन का, जो पहला सीन है जब वहां पे इंट्रोडक्शन होता है, कितनी प्यारी दिख रही है यार वो, कौन है भाई, नाम कमेंट करके बताओ, मुझे नहीं बताओ, आप कमेंट करके बताओ वो हीरोइन कौन है भाई। लेकिन भाई जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है तो वहां पे भाई हमें धनुष के बहुत सारे अवतार देखने को मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही गजब के लगे यार। पहला वो चश्मा वाला लुक में तो क्रेज हो गया भाई। उसके बाद जैसे वो मुंह में ऐसा आधा आधा बाबा बन के बैठा है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, वो लुक, उसके बाद फिर वो दाढ़ी वाला लुक, उसके बाद फिर कैप्टन मिलर वाला लुक, भाई दिल खुश कर दिया यार। मतलब कि यार इतना ज्यादा कैरेक्टराइजेशन पे ध्यान दिया है, वो काले मुंह वाला, वो दाढ़ी वाला, वो मतलब इतने प्यारे प्यारे नए नए कैरेक्टर्स धनुष के मिलने वाले, जिनको देखने के बाद भाई मजा तो आने वाला है भाई। बहुत क्रिएटिविटी से भाई ट्रेलर काटा गया है। और आप एक चीज और देखेंगे कि इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरीके से अंग्रेज का और कैप्टन मिलर का एक पुराना इतिहास है, कुछ पुरानी बंदे से कुछ तो हुआ है उनके बीच में, जिसका बदला अब वो डकैत बन के ले रहा है। तो भाई जो पुराना इतिहास दिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से उनके लिए काम कर रहा था, ठीक है, फिर वो धीरे से क्या उन्होंने ऐसा करा कि वो थीजे डकैत बन गया, और डकैत बनने के बाद तो भाई तोपों की सलामी दिया है भाई, अंग्रेजों की पूरी मार के रखेगा भाई। और इस फिल्म में का भाई देशभक्ति वाली फीलिंग होने वाली है, सबके दिल में ना गदा गद धुआं उड़ने वाला है, क्योंकि भाई मजा बहुत आने वाला है भाई। मुझे ट्रेलर ना बहुत अच्छा लगा, आपको ट्रेलर कैसा लगा आप मुझे ना कमेंट करके बताओ, क्योंकि अपन दोनों की पसंद ना बहुत मैच खा रही है भाई आजकल। तो भाई कैसा लगा ट्रेलर मुझे कमेंट करके बताओ, और ऐसे बहुत से ट्रेलर्स, बहुत से रिव्यू, सब कुछ मैं आपके लिए लेते आता रहता हूं भाई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी फैमिली का हिस्सा बनो, तभी तो हम नए नए ट्रेलर साथ में देख पाएंगे ना, है कि नहीं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए।